तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम मध्य प्रदेश बोर्ड की पांच सबसे बड़ी एजुकेशन वेबसाइट, जहां पर आपको जो है न्यूज़ मिल जाएगी, जहां पर आपको जो है सभी एजुकेशन कंटेंट फ्री में मिलेगा, जहां पर आपको जो है शिवलाल बुक्स और ऐसी बहुत सारी अदर्स बुक जो कि हमारे एमपी में चलती है उनके जो है फ्री सॉल्यूशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाते दिखिए। तो चलिए, सबसे फिफ्थ नंबर पर हम बात करते हैं न्यूज़ वेबसाइट के, जो कि खुद एजुकेशन की वेबसाइट है, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, और ये है एजुकेशन पोर्टल। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का एजुकेशन पोर्टल, जहाँ पर जो है आपको सभी प्रकार की न्यूज़ मिल जाएगी। जो यूट्यूबर्स लोग हैं, आप सोचते हो कि ये न्यूज़ कहाँ से लाता है, तो ये न्यूज़ जो है यहीं से लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइट पर आपको चले जाना है एजुकेशन पोर्टल पर, और एजुकेशन पोर्टल पर जाने के बाद में देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आता है एजुकेशन पोर्टल। जब आप इस एजुकेशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको जो है अपने ब्राउज़र को जो डेस्कटॉप मोड पर यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप मोड पर करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक सेक्शन आता है आपका न्यूज़ का, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखिए ये न्यूज़ का सेक्शन है। जब आप न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे ये आता है व्यू ऑल। ठीक है, जब आप व्यू ऑल पर न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सभी न्यूज़ जो ओपन हो जाएगी, जो कि आज कल में जो है एजुकेशन के रिलेटेड एमपी में हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 तारीख के यहाँ पर न्यूज़ पब्लिश की गई है, जो कि भास्कर द्वारा, भास्कर न्यूज़ पेपर में से पब्लिश की गई है। और यहाँ पर देखिए न्यूज़ क्लिपिंग और व्यूवेड, यानी 1651 लोगों ने इसे देख लिया है। ठीक है, तो ये है न्यूज़। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये न्यूज़ ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ ओपन होने के लिए मुझे बोल रहा है, जैसे मैं पीडीएफ ओपन पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ टीचरों के नाम है, जो कि हाल ही में जो है उनके, मतलब जिन्हें निकाल दिया गया है या फिर जिनका सन पूरा हो चुका है, उनके टीचर्स के नाम है, तो ये न्यूज़ में आता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है सबसे पहली वेबसाइट, यहाँ पर जो आपको न्यूज़ मिल जाएगी, जो कि खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, तो आप इस पर जो है, इस न्यूज़ पर जो है आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी वेबसाइट की। तो हमारे सामने दूसरी वेबसाइट जो आती है वो निकल कर आती है mpsolution.online। ठीक है दोस्तों, ये भी न्यूज़ की वेबसाइट है, जहाँ पर आपको जो है आपको नौकरी से रिलेटेड में, हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड में जो नौकरी निकल रही है 10वीं 12वीं पास पर, उस नौकरी के रिलेटेड में यहाँ पर न्यूज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक की नौकरी निकली हुई है, और यहाँ पर डेट भी डली हुई है, देखिए 6 जुलाई को यहाँ पर देखिए, और वेतन कितने पद खाली हैं। उसके बाद में जो एमपी बोर्ड में या फिर सीबीएसई में जो भी न्यू अपडेट आती है, वो न्यूज़ और एजुकेशन के माध्यम से यहाँ पर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये हो गई हमारी चौथी वेबसाइट। उसके बाद में चलिए बात करते हैं तीसरी वेबसाइट। तो तीसरी वेबसाइट है दोस्तों आपकी mpbordonline। ठीक है दोस्तों, mpbordonline.com। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है दोस्तों mpbordonline.com। अब इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको एमपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर नोट्स हैं, सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस पर नोट्स और सॉल्यूशन तो उतने बेहतर नहीं है, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत सारे इसमें डले हुए, जो कि आपको जो है बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर जो है बहुत सिंपल है, जैसे आप क्लास 12th के में जो क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर क्लास 12th पर। ठीक है, क्लास 12th पर आपको कौन सी एग्ज़ाम के, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के, हाफ ईयरली के, तो चाहिए मुझे अभी कि मैं फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो देखिए फाइनल ईयर के एग्जाम पेपर मुझे यहाँ पर आ चुके हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करके आराम से जो उनके क्वेश्चन पेपर देख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी तीसरी वेबसाइट। चलिए बात करते हैं दूसरी वेबसाइट की। तो दूसरी वेबसाइट है दोस्तों mpbordsolution। ठीक है दोस्तों, mpbordsolution.com, ये आपकी वेबसाइट है अगली। ठीक है, जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, mpbordsolution आपको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे सामने इस वेबसाइट सीधी ओपन हो रही है। ठीक है, mpbordsolution.com। तो इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको कक्षा पहली से लेकर तो 12वीं तक की आपकी जितनी भी बुक्स है, उन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी दोस्तों शिवलाल और नवबोध से उठाया गया है। ये शिवलाल और नवबोध की गाइड्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं जो गलती से गलत साइट पे आ गया था। ठीक है, तो आपको जो ये URL याद रखना है दोस्तों, इस साइट का जो URL है mpbordsolution से, दोस्तों पीछे S लगा हुआ है और पीछे .com है। ठीक है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट भी है, ठीक है, आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमपी बोर्ड क्लास 12th पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको गणित भौतिक यहाँ पर सब मिल जाता है। जैसे मैंने हिंदी पे क्लिक किया तो यहाँ पर ऐड आएगी, ऐड को मैं सिंपली क्लोज कर दूंगा। उसके बाद में देखिए हिंदी में जो भी आपका सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ये जो है नवबोध और शिवलाल से लिया गया है। ठीक है, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सब बात करते हैं अब हमारी फर्स्ट नंबर की वेबसाइट की। तो इस वेबसाइट के बारे में दोस्तों आप ज़्यादा जानते नहीं होंगे, इस वेबसाइट का नाम है mpbooksolution.in। ठीक है दोस्तों, mpbooksolution.in, ये आपको नहीं याद रख लेना है। जब आप इसे सर्च करेंगे तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एजुकेशन वेबसाइट निकल कर आती है। इस पर देखिए आपको सिंपली देखिए क्लास 1st बुक सॉल्यूशन, क्लास 2nd बुक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडेक्स में तो बुक सॉल्यूशन मिल जाता है, उसके बाद में देखिए
यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब बुक का सोल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है एम पी बोर्ड शॉर्ट नोट्स, ठीक है, क्लास सिक्स से आपको, तो यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ तक शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे इसी वेबसाइट में। उसके बाद में ये देखिए एम पी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी इंडेक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बाद में लास्ट फाइव ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, और नीचे भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं क्लास ट्वेल्थ के शॉर्ट नोट्स देखूँ, जैसे मैंने क्लास ट्वेल्थ के शॉर्ट नोट्स पर क्लिक किया, उसके बाद में मेरे सामने यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स चाहते हैं। तो जैसे अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से चलिए रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मुझे चाहिए भूगोल के शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं भूगोल के शॉर्ट नोट्स पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने चैप्टर ओपन हो जाएंगे, ठीक है, कि भाई भूगोल के कौन से खंड की, ठीक है, भूगोल में दो खंडे दो बुक है दोस्तों आपको एनसीईआरटी की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मुझे फर्स्ट नंबर के चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने जो है काफ़ी स्मूथली यहाँ पर खुल चुका है, और ये जो है इमेज टाइप में, तो ठीक है, तो मैं इसे जो है दबा के रख सकता हूँ और जो है ये इमेज जो है डाउनलोड करके मेरे किसी भी फ्रेंड को जो है भेज सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे उसी की लगातार, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे मेन्यू पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेन्यू दिया हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर जो है मेन्यू दिया हुआ है, और मेन्यू में देखिए अगर मुझे क्लास ट्वेल्थ की बुक का सोल्यूशन चाहिए तो मैं क्लास ट्वेल्थ की बुक का सोल्यूशन पर दबाऊंगा। जैसे मुझे जीव विज्ञान की बुक का सोल्यूशन चाहिए तो मैं जीव विज्ञान पर दबाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, और मैं हिंदी मीडियम के पहले चैप्टर की बुक का सोल्यूशन अगर देखूँ तो यहाँ पर मेरे सामने जो है काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ से मैं जो है आराम से जो है इसे जूम आउट जूम इन करके जो है बुक का सोल्यूशन आराम से देख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एम पी बोर्ड की सबसे बड़ी पाँच एजुकेशन वेबसाइट। अगर आपको भी कोई बता है तो हमारे जो व्यूवर्स को आप मदद कीजिए और कमेंट में अपनी जो है वेबसाइट का नाम टाइप कीजिए, ठीक है दोस्तों। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।